Hello, good evening students. How are you? Hope all of you are doing well. Myself Bhavani Singh Jadhav, the Faculty of Biology and Environmental Sciences. ठीक है, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर नीट स्कूल पे. ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बेसिकली एग्जामपुर नीट स्कूल और एग्जामपुर की तरफ से आपको एक बैच दिया गया है. ठीक है, दैट इज फॉर नीट फ्री प्रिपरेशन. तो एक बार जरा बता दीजिए, आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं, ताकि आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करें. और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके और भी दोस्तों को पता लग जाए कि भाई क्लास चालू हो चुकी है. तो जल्दी से बता दीजिए, आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो एक बार जरा जल्दी से बताओ, आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं. सब बैकग्राउंड बहुत अच्छा है. अच्छा, धन्यवाद. ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, ठीक है, अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस था. ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई भी एसएससी, डिफेंस, टीचिंग और वन डे एग्जाम स्पेशली इनकी तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो उन्हें बताइए कि आपके एग्जामपुर जो है चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं, उन पे किसी भी रनिंग कोर्सेस पे फ्लैट 75% का डिस्काउंट चल रहा है. बस उन्हें कोर्स लेते टाइम एक कूपन कोड यूज करना होगा, दैट इज कैपिटल में हिंदी 75. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग उन तक कन्वे कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भी एक्स वाई जेड वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या टीचिंग या डिफेंस या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है. तो स्टार्ट करें, चलो. तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, एबी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या सार्वभौमिक विकलांगता कहा जाता है. इसका कारण है, द पर्सन विद द एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. दिस इज ड्यू टू आरबीसी पर एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी की उपस्थिति, प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी की अनुपस्थिति, आरबीसी की तरह आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और बी की अनुपस्थिति, प्लाज्मा में एंटीजन ए और बी की अनुपस्थिति. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी ऑन आरबीसी, एंटी एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन द प्लाज्मा. सर आज आप 5 बजे आए हो, इसलिए किसी को पता नहीं है, बच्चे बहुत कम है. कोई इशू नहीं है, अब अपन 5 बजे ही आया करेंगे, वरना तुम्हारी क्लासेस क्लैश हो जाती है ना. फिर आधे टाइम तुम ये कहते रहते हैं, मैडम नहीं पढ़ाएंगे, सर मैडम की क्लास चल रही है, आपकी भी चल रही है, हमको की क्लास ले. सी विल बी द राइट आंसर, आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और बी की अनुपस्थिति. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब, जलवाई पेल दे रहे हो तुम लोग तो. ठीक है, तो आप सभी ने एनसीईआरटी में एक चार्ट देखा होगा, जिसे अपन बोलते हैं चाचा की चार्ट, नहीं, ए बी ब्लड ग्रुप चार्ट. ठीक है, जिसमें यहां एक साइड पे ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं. ठीक है, बेसिकली आपके 4 ब्लड ग्रुप बताए गए हैं, वो तो और भी हैं. देयर इज एच एच ब्लड ग्रुप, देयर इज के ब्लड ग्रुप, देयर इज डी ब्लड ग्रुप, देयर इज एम ब्लड ग्रुप, देयर इज एम एन ब्लड ग्रुप, देयर इज एन ब्लड ग्रुप, बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं. ठीक है, यहां आपके एंटीजन बताए गए, ठीक है, प्रतिजन बताए गए, और यहां आपके एंटीबॉडीज बताई गई है, प्रतिरोधक बताए गए. ठीक है, तो बताया गया है कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, और इनके पास एंटीबॉडी जो है वो बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ है, तो एंटी बी, इसलिए बी वाला ए को नहीं दे सकता. बी ब्लड ग्रुप पे बी एंटीजन, और इनके पास जो एंटीबॉडी है वो खिलाफ है एंटीजन ए के लिए, इसलिए ए वाला बी को नहीं दे सकता. ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये आपका यूनिवर्सल डोनर है. ठीक है, सर्वदाता करण, ठीक है, अपने आप में महान लोग व्यक्ति है, बट एंटीबॉडी
ए और एंटीबॉडी डी दोनों की प्रेजेंस की वजह से ये किसी से ले नहीं सकता, और ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ए और बी, बट इनके पास एब्सेंट है क्या एंटीबॉडीज, तो इनके प्लाज्मा में बेसिकली एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है, इसलिए अगर कोई भी इन्हें ब्लड दे दे, ठीक है, अगर कोई भी इन्हें ब्लड दे दे प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन ही नहीं हो पाती, तो रिएक्शन नहीं हो पाती इसलिए मैं बन गया क्या सर्वभिकमंगा, ठीक है, मतलब सार्वभौमिक सर्वग्राही। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दैट इज प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी की कमी, तो बी विल बी द राइट आंसर, सी लगाने वाले नाचो। क्या करवा रहे हैं सर आप, कुछ तो करवा रहा हूं, ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, एक मानक ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का प्रतिनिधित्व करता है, आलिंद का पुनर्विध्वन, निलय का पुनर्विध्वन, निलय का पुनरुद्धार, आलिंद का पुनरुद्धार, तो डीपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाँ बेटा शिवम यादव, गुड इवनिंग। चलिए, तो आपकी ईसीजी में कुछ वेव्स आती है, जैसे कि पी वेव्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपका टी वेव, और कभी कभार एक यू वेव भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली पी वेव आपका बता रही है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका बता रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, और टी वेव आपका बता रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। अब आपने यहां लिखा हुआ है रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, तो देखो जब भी कोई मसल या कोई ऑर्गन अपनी रेस्ट की पोजीशन से छोड़ के काम करने लगे, तो अभी क्या ऊपर के चैंबर एट्रिया क्या होते हैं ऊपर के, और वेंट्रिकल क्या है नीचे के, तो रेस्ट की पोजीशन इसकी ये थी, इसने क्या किया काम करना चालू किया, तो कॉन्ट्रेक्शन चालू किया, ठीक है, तो इसी कंडीशन को अपन बोल देते हैं क्या डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, तो निलय का संकुचन, ठीक है, तो अब ये क्या होगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्या हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिलैक्स हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि एट्रिया रिलैक्स नहीं हो रहा, एट्रिया भी रिलैक्स हो रहा है, बट इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से एट्रिया के जो रीपोलराइजेशन की वो है, ठीक है, वेव वो छुप जाती है, इसलिए आपकी ईसीजी में, ठीक है, एक चीज नहीं आती, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ईसीजी में कौन सी चीज नहीं आती, ईसीजी में आपका जो आलिंद होते हैं, जो आपके आलिंद होते हैं, इनका पुनरुद्धार नहीं दिखाई देता, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपका क्या बताता है बी, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपकी जो ईसीजी की वेव्स आती है उसमें कौन सी चीज मेंशन नहीं हो पाती, ठीक है, वो कौन सी चीज नहीं मेंशन हो पाती, दैट इज एट्रिया का रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन नहीं आपका पता लग पाता, क्यों नहीं पता लग पाता, क्योंकि इसकी जो रीडिंग होती है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या कर देता, ओवरलैप कर देता। चलो नेक्स्ट थिंग इज, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इरिथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण का कारण बनती है, मां आरएच पॉजिटिव भ्रूण आरएच नेगेटिव, मां आरएच नेगेटिव भ्रूण आरएच पॉजिटिव, मां और भ्रूण दोनों ही आरएच पॉजिटिव हो, मां और भ्रूण दोनों ही आरएच नेगेटिव हो, बताओ।
बी चली, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटलिस एक मेडिकल कंडीशन है जो कि बेसिकली शादी के बाद अराइज होती है, ठीक है। यह हमें यह बताती है कि कौन से लल्लन को किस चुनिया के साथ शादी करनी चाहिए, कौन का ब्याह किसके साथ होगा। तो एक लल्लन पॉजिटिव, एक चुनिया पॉजिटिव, एक लल्लन नेगेटिव, एक चुनिया नेगेटिव, एक लल्लन नेगेटिव, एक चुनिया पॉजिटिव, एक लल्लन पॉजिटिव, एक चुनिया नेगेटिव, ठीक है। तो जब शादी होती है बेसिकली ये हम चेक नहीं करते बट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरी काक्ष मंगला तनोहरी 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 इनकी मरी, ठीक है। तो कायदे से अगर कोई मेल पॉजिटिव हो और एक फीमेल नेगेटिव हो तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, एक मेडिकल केस आ जाता है जिसको हम बोल देते हैं एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटलिस। इस कंडीशन में क्या होगा कि ज्यादातर जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका मैक्सिमम डोमिनेंसीज होती है किसके, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों की। तो इस मैया का यशोमती मैया से बोले नंदलाला ब्लड ग्रुप मेरा पॉजिटिव है आला। तो ज्यादातर जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की डोमिनेंसीज होती है। तो ये आपका इनके अंदर कैसा ब्लड ग्रुप आ गया, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ गया। अब मदर के पास अगर ये पॉजिटिव होता तो दोनों चीज मैच हो जाती, बट ये कंडीशन आपका क्रिएट करेगी इसके इम्यून सिस्टम को एक्साइट, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को एक्साइट करेगी तो ये आपका क्या करेगी, एक एंटीबॉडी बनाएगी। इस एंटीबॉडी को हम बोलते हैं आईजीएम। क्यों? क्योंकि पहली बार बेबी आया, और जब भी पहली बार बेबी आया है, ठीक है, तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। पहली बार कोई भी बीमारी होगी आपकी कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, आईजीएम, ठीक है। इसका फीटस साइज बड़ा, सॉरी, ये इसका साइज बड़ा होता है, फीटस में घुस नहीं पाती तो इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। बट जब दूसरी बार आपका वापस से एक बेबी आता है पॉजिटिव, ठीक है, तो एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे एक एंटीबॉडी बनती है आईजीजी। इसका साइज बहुत छोटा होता है, इजिली आपका प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और भाई साहब या बहन जी को क्या कर देती है, चटका देती है। इस चीज से बचने के लिए, ठीक है, ये सेकंड डिलीवरी है, इस चीज से बचने के लिए डॉक्टरों ने, मतलब साइंटिस्टों ने एक इंजेक्शन डेवलप किया जिसका नाम है रोगम। इसको हम बोलते हैं एंटी आईजीजी इंजेक्शन। क्लियर, क्लियर है, समझ में आया पूरा केस क्या होता है, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, मां नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जो भ्रूण है वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो रक्त कोशिकाओं का नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी से थक्के का विकार हो सकता है, जिससे शरीर से रक्त की अत्यधिक हानि हो सकती है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल या थ्रोम्बोसाइट। चटका देती है मतलब स्वाहा, राम नाम सत्य है सबकी, यही गत्य है। चटकाने का मतलब मैं बहुत सारी चीजों में यूज कर सकता हूं। एक यहां से चटक गया तो पागल हो गया, ठीक है, चटका दिया मतलब मार दिया, एक ये चटकाना होता है, बहुत सारी जगह चटका यूज कर सकते हो, बट तुम लोग नहीं यूज करोगे, हैं? ये नहीं घर पे अगल बगल में कॉलोनी बोल रहा है आज सर मैंने भी चटका दिया, तो घर वाले बोलेंगे क्या गुंडे गुंडों के पास पड़ रहे हो क्या। चलिए, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी थ्रोम्बोसाइट विच इज ऑल्सो नोन एट प्लेटलेट, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट विच इज ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट, ठीक है। जब कभी आप मतलब चोट वगैरह लगती है, इंटरनल इंजुरीज होती है, इंटरनल इंजुरीज का मतलब बॉडी के अंदर में कोई घाव वगैरह हो गया, लेशंस वगैरह हो गए, या फिर एक्सटर्नल इंजुरी हो सकती है, साइकिल चला रहे थे गिर गए, ठीक है, या फिर वो तुमको तुम्हारी बाबू याद आ रही हो जो छोड़ के चली गई, या सोना याद आ रहा हो छोड़ के चले गए, तो बहुत सारे पगलेट होते हैं, ठीक है, ला 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 ला, हे हे हे, तो
मुझको प्यार है किसी और का, तो वो अपना नाम लिखने लगते हैं, आई लव यू किरण, ठीक है, काजल जो मैरी है, मतलब ऐसे नाम लिखने लगते हैं। तो व्हाट हैपन यूजुअली एट दैट टाइम, आपकी जो प्लेटलेट्स है वो रक्चर होती है और वो आपका एक कैस्केड मैकेनिज्म, मतलब एक सेल काफी सारी चीजों को, एक्टिविटी को क्या करती है, एक्टिवेट करने लगती है। इस प्रोसेस में नियर अबाउट 13 क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए आपकी ब्लड सोसाइटी के अकॉर्डिंग, बट इन रियलिटी 12 चाहिए होते हैं, क्योंकि जो 13वां है, मतलब एक फैक्टर इनमें से अभी तक हमने निकाला नहीं है, हाइपोथेटिकल है वो। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 4। नेक्स्ट थिंग इज क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस जानवर के दो अलग अलग परिसंचरण मार्ग है, मेंढक, छिपकली, व्हेल शार्क। तो बताओ किस जानवर के दो अलग अलग परिसंचरण मार्ग है, मेंढक के टर, मेंढक टर, 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 टर। ए, 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 ए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो आज बात करते हैं किस चीज की, नंबर ऑफ चैंबर्स, ठीक है, एक जामफल, टाइप ऑफ ब्लड। तो देखो अगर नंबर ऑफ चैंबर आपने 2 पढ़े होंगे तो आपने एक जामफल जो इसका पढ़ा होगा वो पढ़ी होंगी मछलियां, और इनमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो ब्लड होता है कैसा, इम्प्योर। अगर नंबर ऑफ ब्लड सॉरी चैम्बर 3 पढ़े होंगे तो ये आपने एक जामफल जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा क्या, एम्फीबियंस, और इनके नंबर ऑफ जो ब्लड ट्रेवल होता है वो कैसा सर्कुलेट होता है, मिक्स ब्लड सर्कुलेट होता है ना। फिर अगर आपका इनकम्प्लीट 4 है, अगर आपका इनकम्प्लीट 4 है तो ये आपके कौन होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, और रेप्टाइल्स में आपका ब्लड कैसा रहता है, मिक्स रहता है, बट रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन आ जाते हैं, अपवाद आ जाते हैं, कौन, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, इनके पास नंबर ऑफ चैम्बर कितने हैं, 4 है, कंप्लीट 4, ठीक है। तो इनके पास प्योर सर्कुलेशन अलग है, इम्प्योर सर्कुलेशन अलग है, इनका इवोल्यूशन हो गया। और अगर आप नंबर ऑफ चैम्बर 4 ही पढ़े तो ये हो गई आपकी कौन, बर्ड्स और मैमल्स, पक्षी और स्तनपाई, है ना। तो इनके पास भी दो अलग अलग सर्कुलेशन है, ठीक है, एक प्योर ब्लड का सर्कुलेशन, एक इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन। तो यहां डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, केवल फिशेज में आपका सिंगल सर्कुलेशन मिलता है, बाकी सारी जगह डबल सर्कुलेशन है। बट डबल सर्कुलेशन में भी दो अलग अलग टाइप के ब्लड कहां सर्कुलेट हो रहे, क्रोकोडाइल एलिगेटर में, बर्ड्स और मैमल्स में। अब सर्च करो, मेंढक में एक ही टाइप का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, दैट इज मिक्स ब्लड का, दो पाथवे नहीं होंगे। छिपकली में क्या है, छिपकली रेप्टाइल्स है, मिक्स ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, दो पाथवे नहीं होंगे। शार्क क्या है, फिशेज है, इम्प्योर ब्लड है, सिंगल सर्कुलेशन होगा, दो पाथवे नहीं होंगे। व्हेल क्या है, मैमल्स है, प्योर और इम्प्योर है, तो दो पाथवे होंगे, तो सी विल बी द राइट आंसर। तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपने देखा होगा किताबों में अक्सर कर एक ऐसे प्योर ब्लड का सर्कुलेशन दिखा रहे होते हैं और एक साइड से इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन दिखा रहे होते हैं, तो अलग अलग परिसंचरण मार्ग, प्योर का अलग, इम्प्योर का अलग दिखा रहे होंगे, है ना, क्लियर है सर। हिंदी में भी ले बेटा, मछलिया में जो हृदय के कोष्ठ होते हैं वो दो ही होते हैं, दुई, ठीक है, और जो रक्त परिसंचरण होता है वो अशुद्ध होता है,
तो अशुद्ध रक्त को परिसंचरित करना है तो एक ही मार्ग होगा, उभयचरों में, ठीक है, मिश्रित रक्त का परिसंचरण होता है तो मिश्रित रक्त परिसंचरण करना एक ही मार्ग होगा, सरीसृपों में, ठीक है, मिश्रित रक्त का परिसंचरण होता है तो एक ही मार्ग होगा, बट यहां सरीसृपों में अपवाद आ जाते हैं, अपवाद के नाम पे आपका मगरमच्छ, मगरमच्छ जिनका मुंह वी शेप का होता है और घड़ियाल जिनका मुंह यू शेप का होता है, इनमें एक शुद्ध रक्त परिसंचरित हो रहा होता है, एक अशुद्ध रक्त परिसंचरित हो रहा है, तो दो मार्ग चाहिए, दोनों ब्लड को मिलाना नहीं है। और पक्षी और स्तनपाई, इनमें भी आपका क्या चार चैम्बर है, चार कोष्ठ है, तो आपका शुद्ध अशुद्ध रक्त है तो दो मार्ग चाहिए, तो ना ही मेंढक में होगा, ना ही छिपकली में होगा, ना ही सार्ग में होगा, वेल आपका मैमल है उसमें होगा। क्लियर है? चलो चलो आगे बढ़ते। धमनियों को सबसे अच्छी तरह से है? धमनियों को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक ले जाना, केशिकाओं में टूट जाती है जो कि एक नस बनाने के लिए फिर से जुड़ती है, रक्त को आंत के अंग से दूसरे आंत के अंग में ले जाना, ठीक है, विभिन्न अंगों को, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करना। तो आर्टरीज की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? द कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, ब्रेक अप इनटू कैपिलरीज व्हिच रीयूनाइट टू फॉर्म अ वेन, कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू अनदर विसरल ऑर्गन, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन। ए ए ए आओ, ए ए विल बी द राइट आंसर। क्या बात है, शाबाश। अच्छा जी, अरे क्या बात है, तुम सब तो पढ़े लिखे हो। चलो, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए, ठीक है। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, जो हार्ट से दूर ले जाए वो आर्टरी होती है, ठीक है, जो आपके हार्ट की तरफ ले जाए वो वेन्स होती है, जो हार्ट से दूर ले जाए, हृदय से दूर ले जाए रक्त को, वो धमनी है, और जो हृदय की तरफ ले जाए वो शिरा है, और इनके बीच का जो नेटवर्क है, ठीक है, जहां पे आपका फूड गैस हॉर्मोन सारी चीजों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी केशिका, ठीक है। ये वाली क्यों नहीं हो सकती डेफिनेशन? बात तो ये भी सही है कि आर्टरीज आगे चल के आपकी कैपिलरीज में टूट जाती है और यही कैपिलरीज आगे चल के वेन्स बना देती है, बात तो ये भी सही है, बट द थिंग इज आर्टरी डायरेक्ट कैपिलरीज में नहीं टूटती, पहले आर्टरियोल्स में टूटती है, उसके बाद कैपिलरी बनती है, फिर वेन्यूल्स बनते हैं, फिर वेन्स बनती है। ये वाला सही क्यों नहीं है? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन, क्योंकि कुछ आर्टरी आपकी ऐसी भी है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। क्लियर है? सर कहां है, से पढ़ाते हो आप, मतलब समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाते हो तुम, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ आर्टरीज वगैरह के बारे में? गजब, क्वेश्चनों को थोड़ा सा इधर उधर कर दो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, सब एनसीईआरटी की चीज है, एनसीईआरटी को ढंग से चाटोगे ना तो तुम्हें कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बट द थिंग इज तुम एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से चाटते हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम तो ये है। बताओ, किसी व्यक्ति की हृदय की गति क्या होगी यदि कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, डायस्टोल के अंत में निलय में रक्त की मात्रा 100 मिलीलीटर है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंत में 50 मिलीमीटर है, ठीक है, 125 बीट प्रति मिनट, 50 बीट प्रति मिनट, 75 बीट प्रति मिनट, 100 बीट प्रति मिनट, बताओ।
अंदर से कैसे चाटे, अंदर से चाटने का मतलब है एनसीईआरटी में जो लिखा है एक एक लाइन उसे देखो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में जो आपका वो दिया रहता पॉइंट्स टू रिमेम्बर उसे पढ़ो। इसके अलावा समरी दी रहती है हर चैप्टर की, वो देखो, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, वो देखो। इसको बोलते हैं अंदर से चाटना। पचास बीट्स पर मिनट, सी 75 बीट पर मिनट, कहां से पढ़ाते हो आप? हम कहीं से नहीं पढ़ाते, हमारे पास कोई किताब ना है, देख लो। हम केवल जो परस लेके आते हैं, जो मोबाइल लेके आते हैं और कुछ ना लाते हम, ठीक है ना। हमारे घर पे कोई किताब है जो हमने पढ़ रखा था आज से कितने साल पहले, 2004 में टेंथ में आए थे, 2006 में ट्वेल्थ में थे, कितने साल हो गया, जितने भी साल पहले, तब का याद है हमको। सेवंथ का सी, चलो ये देखते हैं ये वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी कार्डियक आउटपुट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, क्लियर है ना। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हमारा हार्ट एक मिनट के अंदर कितना ब्लड को पंप कर दे रहा है ना। इसकी अमाउंट रहती है 5000 ml, मतलब 5020 ml रहती है, बट अपन राउंड फिगर में 5000 ml लिखते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका क्या है, ठीक है। एक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में, एक स्ट्रोक में कितना ब्लड आपका पंप हो जाता है, ये रहता है 70, ठीक है। ये रहता है आपका 70 नॉर्मली, ये 5000 ml कैसे आता है, 70 इंटू, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट जो कैलकुलेट करोगे 5020 है। बट यहां पे आपको दिया गया है क्या, इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 ml, 5 लीटर दिया हुआ है, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम एट द एंड ऑफ डायस्टोल 100 दिया गया है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ सिस्टोल 50 ml दिया गया, ठीक है। और आपको हार्ट बीट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ये तो निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 5000, ठीक है। हार्ट बीट आपको निकालनी है, तो हार्ट बीट बराबर हो गया क्या 5000/50, 100 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट, 100 बटर पनीर मसाला फोर्थ, सर मैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूं तो नीट की तैयारी करके दे सकता हूं। नीट की तैयारी करके यूपीएससी क्यों दे रहे हो भाई, बायोलॉजी का अलग से कोई सब्जेक्ट थोड़ी होता है, क्लियर है। समझ में आ गया कैसे निकला, समझ में आ गया सर? ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ाते हो? नहीं बेटा, ट्वेल्थ में तो ये सब है भी नहीं एनसीईआरटी में। ट्वेल्थ में तुमने लगता है ट्वेल्थ की खोल के नहीं देगा टॉपिक, है ना, क्योंकि ट्वेल्थ में तो जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन है, बायोटेक्नोलॉजी है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं इवोल्यूशन है, और इकोलॉजी है, और स्ट्रेटेजीज इन फूड एनहांसमेंट है, ये सारे टॉपिक है। ड्रग्स एज एडोल गांजा वांजा उसमें पढ़ाया जाता है ट्वेल्थ में, जा नहीं पढ़ाया जाता है इलेवंथ में। पहले कोर्स तो देख लो अपना। चलो, जीएफआर का सामान्य मान लगभग कितना होता है, 650 ml/min, 180 ml/min, 180 ml/din, या फिर 125 ml/min। सर इसी क्वेश्चन को फिर से समझाओ। देखो, नॉर्मली हम लोगों का कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हमारे हार्ट ने एक मिनट में कितनी बार ब्लड को पंप किया,
तो नॉर्मली हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो कैसे निकाला जाता है, नॉर्मली स्ट्रोक वॉल्यूम, वो फॉर्मूला उसका स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, हमारे हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम रहती है 70 ml, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट हमारा कितना रहता है नॉर्मली 72 beats per minute, यही बताते हो ना, तो 70 × 72 करोगे जब तो ये आपका आएगा 5020, उसको हम 5 liter लिखते हैं। बट यहां पे आपको हार्ट रेट निकालने की पूछी गई है, क्वेश्चन पूछा गया हार्ट रेट, फॉर्मूला आपके सामने ये दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कार्डियक आउटपुट 5 liter है, धर दिया अपन ने 5 liter, उसने बोला डायस्टोल के अंत में निले और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अंतर, किसके अंतर, ठीक है आपका, ठीक है सिस्टोल और डायस्टोल के अंतर मतलब बीच में, ठीक है जब आपका जो ब्लड वॉल्यूम रह जाता है आपके हार्ट में उन दोनों के बीच का अंतर। तो यहां ये बोल रहा है कि डायस्टोल के अंत में निलय में रक्त की मात्रा, वेंट्रिकल में जो रक्त की मात्रा वो 100 ml है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, ठीक है के टाइम पे आपकी क्या थी ब्लड की मात्रा 50 थी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो 100 - 50 बचा कितना 50, ये 5000 लिखा ही है, हार्ट बीट लिखी हुई है, डिवाइड कर दो 100 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट थिंग इज, हाँ जी, GFR का मान्य कितना होता है, बी वेरी गुड। चलो तो GFR क्या होता है, आपकी किडनी, ठीक है आपकी किडनी एक मिनट में कितना, ठीक है फिल्ट्रेट बना रही हो, उसको हम बोलते हैं GFR। तो एक मिनट में किडनी हमारा 100, दोनों किडनी मिला के 125 ml फिल्ट्रेट बनाती है, एक घंटे में किडनी हमारा 7.5 से 8 liter बनाती है, और एक दिन में किडनी हमारा, ठीक है 180 liter फिल्ट्रेट बनाती है। इस 180 लीटर में से आप 1.5 से 1.8 liter बना देते हो यूरिन, ठीक है यूरिन बना देते हो, और ये आपका इस GFR का कितना है 0.8%, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, जो लोग बी लगा रहे हैं ढंग से पढ़ा करें, है ना, एनसीईआरटी पढ़े आंखें खोल के पढ़े। सर कमेंट भी देख लीजिए प्लीज, GFR की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, कोशिका गुच्छ निष्यंद दर, सर हाँ बोलो बेटा, सर का सर सर आ रहे हो, ठीक है चलो नेक्स्ट थिंग इज, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे ये पूछता हुआ की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हेनले के लूप का अवरोही अंग पानी के लिए अभेद्य है, हेनले के लूप का आरोही अंग पानी के लिए पारगम्य है, हेनले के रूप का अवरोही अंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पारगम्य है, हेनले के लूप का आरोही अंग पानी के लिए अभेद्य, तो कौन सा आपका करेक्ट है। सर नीट में क्वेश्चन कितना आता है, मतलब समझ में नहीं आया। सी 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 बी 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 सी बी सी बी सी बी सी बी सी यही टिके रहो बी सी। चलो तो आप सभी ने पढ़ी होगी एक चीज बड़ी प्यारी सी, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक
जिगा खुल गया। ऐसे ही पढ़ा था ना कुछ, है ना सर? जे ना पढ़ी अभी कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है कोर्स, बहुत सारे लोग आपके पुराने चने हैं, ठीक है। तो ये पीसीटी था, समीपस्थ घुमावदार नलिका, ये आपका लूप ऑफ एनले है, डीसीटी है, दूरस्थ घुमावदार नलिका, है ना। ये बोमन संपुट है, ये कोशिका गुच्छ है। तो आपके ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब शुरुआत में पतली होती है, बाद में आपकी थोड़ी सी मोटी हो जाती है। सर प्लीज, कितना क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में, मतलब मैं समझ नहीं पाया तुम एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रही हो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, कुछ तो बता रहा था। हाँ तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें से पानी बाहर निकल आता है, ठीक है, बट इसमें से जो सॉल्ट्स रहती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। ये जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में से सॉल्ट्स बाहर निकल आती है, ये तो आपका निकल आती है, बट पानी इसमें से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, अवरोही और आरोही, ठीक है, ये इसमें से आपका पानी जो है वो आपका परमिएबल है, पारगम्य, ठीक है। वॉटर कैसा है, पारगम्य है, ठीक है। और यहां पे ये जो लवण है, यहां पे ये लवण पारगम्य। तो अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है तुमसे कि हेनले के लूप का अवरोही रंग पानी के लिए अभेद्य है। गलत हो गया, पानी तो पास हो रहा है, ठीक है, किससे, डिसेंडिंग से। हेनले के लूप का आरोही अंग, ठीक है, पानी के लिए परमेबल है, गलत हो गया ये भी, ठीक है। आरोही अंग जो है वो आपका क्या है, बेसिकली लवण के लिए पारगम्य। हेनले के लूप का अवरोही रंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पारगम्य, नहीं, पानी के लिए, गलत हो गया। तो सही क्वेश्चन कौन सा है, हेनले के लूप का आरोही अंग पानी के लिए अभेद्य है, डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इंपरमीएबल टू वाटर, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमीएबल टू वाटर, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमीएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इंपरमीएबल टू वाटर। नाउ, ठीक है, जो बोल रहा है कि आप इतनी हिंदी क्यों बोल रहे हो, ले बेटा इंग्लिश सुन ले, ठीक है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज अ यू शेप लूप, ठीक है, विच इज इनिशियली थिन, देन इट विल गेट थिक एज सून एज इट rises up. Now, so this is the descending limb, and this descending limb is permeable to water but impermeable to salt. Vice versa, the ascending limb of loop of Henle is permeable for salt but impermeable to water. हो गया, हो गया क्लियर है, गवार ना है बेटा, हम पता है कहां से पढ़े हैं, तुम सोच नहीं सकते वहां से पढ़े। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग, निम्नलिखित में से कौन सा डायूरेसिस की रोकथाम में मदद करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। व्हाट इज डायूरेसिस, ठीक है, इट इज अ कंडीशन व्हेन योर यूरिन आउटपुट, ठीक है,
इंक्रीजेस, ठीक है. नॉर्मली आर डेली यूरिन आउटपुट इज 1.5 to 1.8 लीटर. नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट इज 1.5 to 1.8 लीटर इन द कंडीशन ऑफ डायूरेसिस, ठीक है. और इफ वी टेक सम डायूरेटिक एजेंट दिस यूरिन आउटपुट इंक्रीजेस अप टू 5 to 10 लीटर, depends upon the अमाउंट ऑफ डायूरेटिक एजेंट इज टेकन एंड द नेचर ऑफ द डायूरेटिक्स. तो डायूरेसिस क्या होता है, मूत्र स्राव क्या होता है, ठीक है. हमारा जो दिन का मूत्र स्राव है, डेली का जो हमको लगती है, देखो होता का है ना, हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास एक चीज है जिसको बोलते हैं हम क्या, ए बोलते हैं, है ना. ए का है, ए है यूरिनरी ब्लैडर. इको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, हिंदी में मूत्राशय. डायूरेसिस क्या है सर हिंदी, अरे तो वही तो समझा रहे हैं हिंदी में चाचाओ, ठीक है. ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय, ठीक है. जहां में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये घड़े जैसा है, तो बूंद बूंद से आपका घड़ा भरता है. अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मिक्टूरिशन, ठीक है. एक चीज है जिसको हम बायोलॉजी में बोलते हैं मिक्टूरिशन, नॉर्मल भाषा में आप बोलते हो यूरिनेशन, ठीक है. हम बोलेंगे मूत आना, पेशाब आना, पेशाब आने वाली फीलिंग, उसको हम बोलते हैं मिक्टूरिशन, ठीक है. और जब आप निकाल देते हो तो बोल देते हम क्या कर रहे हैं, यूरिनेट कर रहे हैं. उस टाइम मत बोलना कि मिक्टूरेट कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग जा रही है अभी. जब मेरे मन में फीलिंग आई तब हम कहते हैं हमारे को मिक्टूरिशन, और जब जा रहा है तो हम कह रहे हैं यूरिनेशन, है ना. चलो तो आप समझो क्या होता है. ये घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है. जैसे ही ये घड़ा आपका 175 ml भर जाता है, जैसे ही ये घड़ा आपका, ठीक है, 175 ml भर जाता है, वैसे ही आपके अंदर में एक फीलिंग आने लगती है, ओके, अंदर से एक आवाज आती है अंतरात्मा की, सुन रहे हो, उठो चलो, ठीक है. तो बहुत सारे लोग तो उठते चल जाते हैं, बट बहुत सारे जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, इन्हें जिद पाल रखी हर चीज की, नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे. आपकी बॉडी कहती कोई बात नहीं, बट बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई, सबको पता है, ठीक है. तो ये भरने लगता है 180 ml, फिर से अंदर से आवाज आती है, सुनो चलो, तुम क्या नहीं जाएंगे. बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हो जाता है कितना, 500 ml. अंदर से क्या आवाज आती है, चल रहे हो, चलो, तुम के नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे. फिर ये घड़ा भर जाता है 900 ml, ओके, चल रहे हो कि नहीं, तुम के नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे. और जैसे ये घड़ा 901 हो जाता है, जैसे ये घड़ा 901 हो जाता है, ओके, अच्छा नहीं जा रहे ना, ले, तो कर देता है, ठीक है. तो फिर क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ओ भाई साहब रसगुल्ले की तैली बढ़ गई आपकी, ओके, क्या रसगुल्ले, अरे भाई साहब रसगुल्ला नहीं, छोड़ो अब क्या बोलूं, ठीक है. तो ये इसके ऊपर नहीं निकलनी चाहिए, ये इसका फाइनल थ्रेशोल्ड है 900 ml. इसके ऊपर गया तो रायता फैलना निश्चित है ना. अब होता क्या है, ये पूरे दिन भर का हम कितना निकालते हैं, 1.5 to 1.8 लीटर निकालते हैं यूरिन, ठीक है. इतना हमें डेली निकालना है, ये हमारी हेल्थी वैल्यू है. कुछ तत्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स, मूत्रस्रावी तत्व. फॉर अ काइंड ऑफ एग्जांपल, शुगर, अल्कोहल, मैनिटोल, यूरिया, कॉफी एक्सेट्रा. चीजों को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो डाइट में, ये आपका यूरिन काउंट बढ़ा के 2 से 5 लीटर कर देगा. इन सारे प्रोडक्टों को हम बोलते हैं डायूरेट, मूत्र स्राव बढ़ गया. समझ में आया? समझ में आया क्या होता है?
क्लियर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि डायूरेसिस की कंडीशन को रोकथाम में कौन सी चीज मदद करती है। वृक्क नलिकाओं से एल्डोस्टेरोन में, ठीक है, एनी और जल का पुनरअवशोषण, ठीक है, आलिंद नेट्रियूटेरेटिक फैक्टर कारक वाहिनी संकीर्णन का कारण बनता है, जेजी कोशिकाओं द्वारा रेनिन के स्राव में कमी, ठीक है, एडीएच के कम स्राव के कारण अधिक जल पुनर्वशोषण। सार जी क्लास रोक रही है, चलो बताओ। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स टू एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कॉज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ जेजी सेल्स, मोर वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। चलो वेरी गुड। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इन सभी के रोल पता होना चाहिए। देखिए आपका डायूरेसिस में, ठीक है, डायूरेसिस में, ठीक है, क्या हो जाता है, आपका यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, तो मुझे इस यूरिन के निकले, मतलब इसमें से यूरिन में मेनली क्या होता है, पानी होता है, 95% इस वाटर इज देयर, तो इस एक्स्ट्रा पानी को जाने से रोकना है, तो आपका सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कौन कराता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन कराता है। तो अगर ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है तो मूत्र स्राव डायूरेसिस कम हो जाएगा इससे, ठीक है, एएनएफ इसको बढ़ा देता है, एएनएफ उल्टा काम करता है, तो ये तो करेगा नहीं। जेजी सेल्स भी पुनर्अब्सॉर्प्शन में मदद करती है, बट यहां पे क्या हुआ, रेनिन कम निकला है, तो रेनिन कम निकला है तो आपका क्या होगा, पूरा पाथवे नहीं चल पाएगा तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एडीएच के कम स्राव के कारण, एडीएच जब ज्यादा निकलता है तब रीअब्सॉर्प्शन होता है, कम निकलेगा तो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज रीअब्सॉर्प्शन कराती है, बट यहां पे कम स्राव है, यहां पे भी कम स्राव है, इसलिए ये रीअब्सॉर्ब नहीं करवाएंगे, केवल रीअब्सॉर्प्शन कौन करवा पाएगा, पानी का, डायूरेसिस को कम कौन कर पाएगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का उत्तर जो है, ठीक है, दैट इज ए। क्लियर है, आप टीचर तो लग नहीं रहे, नहीं हम चाय वाले थे, चाय बेचा करते थे, ऐसे उठ के आ गए पढ़ाने लगे बायोलॉजी, फिफ्थ क्लास तक पढ़े हुए हैं, जाने कैसे दिमाग में बायोलॉजी आ गई, पढ़ान चालू कर दिया। दिक्कत तो तुम लोगों के साथ यही है ना, कि तुम लोगों को एक ऐसा मास्टर चाहिए जो बाल चिपका क्या है, झोला टांग क्या है, बकायदा शर्ट होनी चाहिए, कॉलर ऐसे बिल्कुल लगी हुई, ठीक है, हम तो ऐसे खड़े बाल करके पढ़ाएंगे, कौन दिक्कत है। सर समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, ये आपसे पूछ रहा है डायूरेसिस में, डायूरेसिस क्या होता है, मूत्र स्राव बढ़ जाना की रोकथाम, मतलब डायूरेसिस को कौन रोकेगा। तो आपने एक हार्मोन पढ़ा होगा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स निकलता है, ठीक है, और जब ये हार्मोन निकलता है तो ये क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, तो यहां तो ये वाटर रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है। एक हार्मोन और होता है जिसको हम बोलते हैं एडीएच, एडीएच कहां से निकलता है, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो भी रीअब्सॉर्प्शन कराता है, बट एडीएच यहां कम निकल रहा है तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। और एक हमारी किडनी के अंदर सिस्टम होता है रास सिस्टम, उस रास सिस्टम में आपकी ये सेल्स काम करती है, जेजी सेल, बट जब निकालेगी हार्मोन, ठीक है, तब तो काम करेगी, अब ये निकल ही नहीं रहा है, कम स्राव कर रहा है तो कैसे रीअब्सॉर्प्शन कर ले। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, रक्तचाप मात्रा में कमी का कारण का विमोचन नहीं होगा, ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ठीक है, मतलब आपसे ये पूछ रहा जा रहा है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है या फिर ब्लड वॉल्यूम निकल गिर रहा है तो इनमें से कौन सी चीज नहीं निकलेगी। राधे राधे सर कर लो बेटा, जय हिंद जय भारत, अपन एक ही चीज करते हैं, वो है जय हिंद जय भारत, अपन राधे राधे कुड़ी मिला दे, ठीक है, अरे मुरारी ये सब नहीं करते, अपन को एक ही चीज बचपन से सीखी है, जय हिंद जय भारत।
सर हम तो अपने दोस्त के साथ कोटा जा रहे हैं। बिल्कुल जाओ, वहां पे मिलेंगे ऐसे मास्टर जैसे तुमको चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे चिपका के आएंगे, बिल्कुल ऐसे शर्ट पहन के आएंगे, जाओ कोई जरूरत नहीं है। चलो तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एएनएफ नहीं रिलीज होगा, क्योंकि एएनएफ तभी रिलीज होता है जब आपकी बॉडी ये फील करे। एट्रिया की वॉल में रिसेप्टर होते हैं जो आलिंद रहते हैं, उनमें कुछ रिसेप्टर होता है, वो स्ट्रेच को जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ये आपका हार्ट क्या स्ट्रेच होता है, जैसे ही स्ट्रेच पड़ा उस पर ठीक है तो ये आपका क्या करेगा एएनएफ रिलीज हो जाएगा, और एएनएफ क्या करेगा ब्लड प्रेशर को लो करेगा और आपका क्या करेगा जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट आग हो गया आपकी बॉडी में उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। ठीक है तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव और वयस्क दोनों में समान है। ठीक है तो आंत एक में वयस्क मेंढक में, वयस्क मेंढक में एडल्ट फ्रॉक्स ठीक है तो आंतरिक निषेचन न्यूक्लियोटाइड आरबीसी उत्सर्जन की यूरियोटेलिक विधा या फिर चार कक्षीय हृदय। बताओ कि ह्यूमंस में और एडल्ट फ्रॉग में कौन सी विशेषता समान। ए वेरी गुड बहुत बढ़िया, ओ ए लगाने वालों अच्छा इसकी डेफिनेशन बताना जरा। इसकी डेफिनेशन बताना एम्फीबियन उभयचर किने कहा जाता है। चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कि जितने भी आपके एडल्ट एम्फीबियन होते हैं वयस्क एम्फीबियन होते हैं ये आपके कैसे होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, और जो यंग एम्फीबियंस होते हैं जो इनकी यंग स्टेज होती है ये अमोनोटेलिक होती है, अमोनिया रिलीज करती है बॉडी से। ठीक है तो ये चीज कॉमन है ह्यूमंस में, और जो जल और थल पर रहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पनुआ वाला सांप सुना है, पनुआ वाला सांप सुना है, वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, एमपीवीएन घोषित कर दे। पनुआ वाला सांप सुना, पनुआ वाला मतलब पानी वाला सांप सुना है, वो जमीन पे भी आता है वो पानी में भी रहता है, उसे एमपीवीएन घोषित कर दे कल से। जो जमीन पे रहते हैं तुम भी तो जमीन पे अनुज राठौर, तुम कौन सा हवा में उड़ रहे हो। चलो तो आज के बाद ओटा कोटा सोटा जाने वाले लोग कोई बताएगा नहीं तुमको, बताए दे रहे ठीक है जाओ ओटा कोटा सोटा में, वहां पे भी यही बताएंगे जो पानी पे भी रहे जो जमीन पे भी रहे इनको एम्फीबियंस कहते हैं, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो है ना। तो एम्फीबियंस चाहे वो आपका एनिमल किंगडम में हो चाहे वो आपका प्लांट किंगडम में हो, प्लांट किंगडम में भी एम्फीबियंस पढ़ोगे ठीक है। एम्फीबियंस का मतलब होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जिनका रिप्रोडक्शन, जिनका प्रजनन
जिनका प्रजनन पानी पे निर्भर हो, वाटर रिलेट करता हो, वाटर के ऊपर पूरा डिसाइडेड हो, ऐसे जानवरों को अपन एम्फीबियन कहते हैं। तो जब फ्रॉग वगैरह रिप्रोड्यूस करते हैं, ये फीमेल के ऊपर बैठते तो है, बट फीमेल एग रिलीज करती है और ये बैठे बैठे ऊपर से क्या स्पर्म रिलीज करते हैं। तो पानी में ये एग और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, सी। प्लांट किंगडम में कौन है? प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस को बोला जाता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के मेंबर्स जो है, ब्रायोफाइटा जो आपका पादप जगत है, उनके मेंबर्स का रिप्रोडक्शन पानी पे डिपेंडेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं। सर ये क्या करा रहे हो? बेटा बायोलॉजी करा रहा हूं, बायोलॉजी, BIOLOGY, इसको गलती से जीव विज्ञान बोल देते। आपसे बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे वा? नहीं, हमसे तो बहुत बढ़िया मास्टर बैठे होगा वहां, ठीक है। बट वो दिक्कत ये है ना कि पुराने हो गए ना, तो वही पुरानी भाषाएं रट ली है, हमको सारी नई भाषा भी पता है, पुरानी भी पता है हमको। हमसे तो काफी एक्सपीरियंस मास्टर बैठे हुए वहां पे। सर हिंदी में तो बता दीजिए, जो जानवर का प्रजनन जल पे निर्भर होता है, उन जानवरों को, उन जीवधारियों को उभयचर कहते हैं। ऐसे कि मेंढक, जैसे कि टोड, जैसे कि न्यूट, जैसे कि सेलेमेंडर। ठीक है, तो आज के बाद कोई एम्फीबियन पूछे, ठीक है, आप उसे ये बोल सकते हो, दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वॉटर, बट द मेन डिफरेंस इन एम्फीबियंस एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स आर देयर रिप्रोडक्शन आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द वॉटर। ये जानवर पानी और जमीन, स्थल और आपका जल दोनों में रह सकते, परंतु एम्फीबियन उभयचर सदस्य के जो भी जीव है, इनका प्रजनन पानी पे निर्भर होता है, इसलिए इनको उभयचर कहा जाता है। क्लियर है? चलो, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आ गई मैडम आपकी, मैडम आ गई, 6 बज गए, आ जाओ मैडम, 6 बज गए सर, छोड़ दी, अब दौड़ दौड़ के आ रही हो। सर को बोला करो कि जल्दी छोड़ दे 5 मिनट, दौड़ दौड़ के आ रही है। बच्चे पूछ रहे हैं आप कौन सी